वार्ड नंबर 3 के वासियों के लिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पाइपलाइन की खुदाई बिछाने का काम की खुदाई का काम शुरू किया गया था जी, जिसमें पाइप उपलब्ध ना होने की वजह से 1.5 किलोमीटर लाइन खोद दी गई और पानी पाइप 15 दिन से उपलब्ध नहीं है। जैसे 2 बार बारिश आ गई जिससे कि लोगों को चोटिल होना पड़ा है। प्रशासन गहरी नींद सोए हुए है। हमने 8 तारीख को लिखित में दिया जो कि एक्शन म्यूनसिपल काउंसिल कैथल को मार्क है, DC से भी और EO से भी, और हमने स्थानीय निकाय विभाग को भी और CM सेल को भी लिखा हुआ है, लेकिन हमें कोई जवाब, ठोस जवाब और उसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं है। आज मौके पर कौन कौन आया है? मौके पर अभी कोई मौजूद अफसर कोई अधिकारी नहीं आया है। जाम भी लगाया है सर आपने? हाँ, जाम इसीलिए लगाया हुआ है कि कंटेमिनेटेड जोन है, यहाँ पे सीवर पानी, स्ट्रॉन्ग वाटर और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई तीनों कंटेमिनेटेड जोन हो चुका है। ये एरिया ऑलरेडी हैजा, मलेरिया और डेंगू से ग्रसित जोन है, जो कि प्रशासन द्वारा जानबूझ के प्रायोजित प्रावधान किया गया है। अभी जो ये मशीनें आई हुई हैं किस प्रकार से? ये मशीनें दिखाने लायक मात्र है। अभी ये अभी जस्ट अभी आई है और आपके जाने के तुरंत आधे घंटे के अंदर अंदर ये वापस चली जाएगी। ये लेश मात्र एक दिखावा है। तो क्या ये परमानेंट इलाज नहीं है? नहीं, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन इसका यही है कि लाइन बिछाई जाए और रोड दोबारा से CC का, RCCC का रोड डाला जाए। अभी कौन आया मौजूदा मेन अधिकारी? कोई मौजूद अधिकारी नहीं आया अभी तो। क्या मांग करते हैं अभी सरकार से? 2017 से ये वाइडनिंग ऑफ रोड का CC ब्लॉक का 25 लाख रुपए उपायुक्त महोदय से रिवाइज एस्टिमेट अप्रूव्ड है और RTI कमीशन में म्यूनसिपल काउंसिल ने लिख के दिया हुआ है कि 25 लाख रुपए सेंक्शन हो चुके हैं ये शेष 50% कार्य के लिए, लेकिन शेष 50% कार्य पिछले 3 साल से लंबित है, जो कि नानकपुरी कॉलोनी वासी इसके वाइडनिंग ऑफ रोड इंटरलॉकिंग CC ब्लॉक लगने से वंचित हैं, क्योंकि आगे इंसान नहीं गधे बसते हैं, सुअर बसते हैं जो कि पानी में लेटना संभव है। क्या नाम है सर आपका? सतपाल सिंह जी। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो ये समस्या है ना, इन्होंने 15 दिन से ज़्यादा हो गए मैं खुदाई करी थी, इतनी समस्या उस टाइम नहीं थी। जिस दिन से ये करे इसमें सारा गंदा पानी घरों में टूंटियों में गंदा पानी जा रहा है, मिक्स हो गए, पीने लायक पानी नहीं है और ये खुदाई तो कर दिन के पाप कर रहे हैं, जब हमारे पास तो पाइप ही नहीं है। अगर पाइप नहीं थे तो फिर खुदाई करने की क्या ज़रूरत थी? पहला प्रशासन ने मतलब सिस्टम बना के करना चाहिए, प्रशासन ने मतलब पहले पाइप लाइन की मंजूरी करके सारा कुछ करना चाहिए था। पहाड़ के गिर दी, कितने दोस्त गायल हो लिए बंदे, कभी किसी के मोटरसाइकिल फंस जाते हैं, कोई बच्चा गिर जाता है, कोई सुना ही नहीं। और पता नहीं कैसी सरकार है ये, सरकार को कुछ है सोचना ही, पब्लिक के लिए सरकार बनाई जाती है। पूरी कॉलोनी के माने आपने साइन करके DC को भी दे रखे हैं, सबको देखा, सारे प्रशासन को देखा, कोई सुनाई ही नहीं हो रही। एप्लीकेशन कहाँ है? एप्लीकेशन ये देखो, ये देखो, ये एप्लीकेशन। हाँ, मार्गों के आया कोई भी ना, कोई एक्शन पर की सुनवाई कर रहे हैं, कोई DC कर रहा है, EO से एक्शन को मार कोई है, लेकिन किसी ने लिखित में हमें अवगत नहीं कराया। एक कई सालों से मतलब पड़े साइड में मान जाए ब्लॉक लगने थे, पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। सरकार से हम तो ये कह रहे हैं, हमारा जो जो है ना लाइन दबनी है, टाइम जल्दी से जल्दी लग भी जाए और सीवर का पानी जो गंदा है उसको मतलब हल किया जाए। अरे रोड जितना अभी इन्होंने खत्म कर दिया, पहले बहुत बढ़िया रोड था, अभी इन्होंने तोड़ तोड़ के सारा खत्म कर दिया, रोड दोबारा बनाया जाए। क्या इनके पास पाइप नहीं है? नहीं, पाइप ने जवाब दे रहे हैं हमारे पास, तो पाइप नहीं था तो खोल दी क्यों? पाइप द्वारा कहा गया कि पाइप नहीं इनके पास, ठेकेदार द्वारा मतलब सारे होना चाहिए, सारे कह रहे खुद ही पड़ी है, पाइप होना चाहिए। और 3 या 4 पाइप दाबे इन्होंने, ऐसे दाबे बल्ले मल्ले खुदाई करी, फट दी, अंदर गिरा, ऊपर मिट्टी गिर दी, कोई इसका लेवल नहीं है, कोई इसका रोड़ा नहीं पाया, कोई बजरी नहीं पाई, सिर्फ इसे सुराख वाले टूटे फूटे पत्थर कहाँ से लाए थे? जाम का जो आपने रास्ता बनाया, मतलब मजबूर होकर बनाया, हम किसी पब्लिक को तंग नहीं करना चाहते, सिर्फ ये मजबूरी है। अब जब मैंने सुनाई नहीं होंगे, हम 15 दिन से अपने फिर रहे हैं, कभी कहीं जा कभी कहीं जा, इस ये मजबूरी लगा हमारी, और हमें कोई पब्लिक से कोई वो नहीं है, विरोध नहीं है, अभी पब्लिक तंग करनी है, हम तो प्रशासन से ये इसमें 8 तारीख की हो चुकी है। किस प्रकार से ये समस्या क्या है और क्या किस प्रकार की एप्लीकेशन आपको? इसकी समस्या ये है कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी लीक हो रहा है जी, जन स्वास्थ्य विभाग को
की एप्लीकेशन मांगी गई कि वो अपने अपना सेटिस्फेक्शन लेटर दे कि हमारा पानी लीक नहीं हो रहा वाया कार्यकारी अभियंता के माध्यम से। साथ ही साथ अमृत योजना के तहत जिसने वाटर सप्लाई की पाइप दिया उसको शोकॉज नोटिस जारी कर दे, आज के डेट में जारी कर दिया है तुरंत प्रभाव से। और श्री सागर जई व और श्री सागर जई और संजीव जई को इसका चार्ज संभालने के लिए कहा कि वो सिर गति सिर काम करें। और साथ ही मेरी अपील है कि लोगों से कि इस धरना को ख़त्म करें। ये समस्या सर पिछले 15 दिन से आ रही है और लोग घूम भी रहे हैं सारे आपके कमेटी में घूम गए अलग अलग जगह पे तारीख से एक हफ्ते से चक्कर लगा रहे हैं। हम लोगों को हमें जवाब नहीं मिला। हम लोगों की ड्यूटी उसमें लगी हुई थी COVID-19 जिस कारण से हम काफ़ी व्यस्त थे। तो COVID-19 के दौरान ये लाइन क्यों खुदवाई गई? हालांकि ये मुझे थोड़ा लेट प्राप्त हुई जिसके लिए फिर मैं मतलब जैसे ही प्राप्त हुई मैंने उनके लिए वाटर सप्लाई वाले को फोन के माध्यम से उन्हें सूचित कर दिया था और उनकी बात इनसे करा दी थी। सर लोगों का आरोप है कि जब पाइप ही नहीं है तो खोदने का मतलब क्या है? नहीं वो शॉर्टेज हो गई थी किसी माध्यम से पर उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर दिया। जी, कब तक इनका समाधान हो जाएगा? इनका समाधान जैसे ही पब्लिक हेल्थ से हमें सेटिस्फेक्शन का लेटर मिल जाएगा हम इसकी समस्या हल कर देंगे। जी ठीक है।